के विरोध में भारत बंद का असर मुंगेली भी देखने को मिला। जिले में कांग्रेस और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने शहर में दुकानों को बंद करने की अपील की है। गोल बाजार में कांग्रेस और चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित कश्यप ने। मुंगेली जिले में भी बंद का असर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी और चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी है वो मुंगेली का जो प्रमुख जो शहर है, जो दुकानें हैं वहाँ पास मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से बंद का असर देखा जा रहा है। सबसे पहले आप बताइए, आप लोग दुकानों को बंद कराने के लिए, आग्रह करने के लिए निकले हुए, क्या माहौल है यहाँ मुंगेली में बंद का? पूरे भारत में माहौल है जो मुंगेली भी में है, पूरा मुंगेली लगभग 9 बजे मार्केट खुल जाती है। अभी तक किसानों के समर्थन में पूरा मार्केट बंद है और व्यापारी खुल कर साथ दे रहे हैं, अपने मन से अपने इच्छा से बंद किया है सभी दुकान। आप कांग्रेसी नेता के अलावा चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी है, तो कहीं ऐसा कि नहीं आपके कांग्रेसी होने के चलते दुकानें बंद है या फिर सौ स्रोत बंद किए हैं? नहीं नहीं, ऐसे क्योंकि मैं चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हूँ, सौ स्रोत होकर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन किया है और मुंगेली चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इसमें समर्थन दिया है कि क्योंकि मुंगेली जो है, खासतौर मुंगेली जिले की बात करूँगा, कृषि पे आधारित है। यहाँ का पूरा व्यवसाय किसानों पर निर्भर करता है, किसानों की इस दुख दर्द को आम जनता, आम व्यापारी समझ रही है। अतः वो स्वस्फूर्त होकर आज दुकानें बंद रखी है। हम सिर्फ उनसे आग्रह करने निकले थे, लेकिन उन्होंने हमें खुद ऐसा मौका भी नहीं दिया, खुद उन्होंने बंद कर दिया दुकान। यानी अपने व्यापारी बंद वे स्वयं से बंद किए हैं और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और किसान यानी जो मुंगेली के जो व्यापारी बंद हैं वे पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। तो अभी दोपहर का 12 बजने को है और अभी सुबह से लेकर के अब तक की जो स्थिति है, भारत बंद का असर यहाँ पर पूरी तरीके सफल माना जा रहा है और आगे क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस। श्योपुर में किसानों के भारत